चुनावी दौर में राजनीतिक दलों के नेता जनता से सीधा संवाद करने के लिए जिलेवार दौरे कर रहे हैं। 29 सितंबर को सीएम का चौथी बार आना प्रस्तावित है, इसको लेकर जिला प्रशासन ने भी तैयारियां शुरू कर दी है। नवग्रह मेला मैदान पर विशाल डोम लगाया जा रहा है। कलेक्टर एसपी ने बुधवार को नेताओं के साथ मीटिंग भी की और सभा स्थल पर तैयारियों की जानकारी साझा करने के साथ ही लोगों की आवाजाही व्यवस्था को लेकर भी चर्चा की। एसपी धर्मवीर सिंह ने बताया कि इस बार डोम सहित कसरावत रोड पर कार्यक्रम स्थल तक आवाजाही करने वालों पर नजर रखने के लिए सीसीटीवी कैमरे लगाए जा रहे हैं, जिसकी लगातार मॉनिटरिंग होगी। रूट डाइवर्ट करने का प्लान भी तैयार किया गया है। कलेक्टर शिवराज सिंह वर्मा ने बताया, जिले में 3378 करोड़ रुपए की लागत के 50 निर्माण कार्यों का भूमि पूजन एवं लोकार्पण सीएम द्वारा किया जाएगा, जिसमें 2821 करोड़ रुपए के 43 निर्माण कार्यों का भूमि पूजन और 557 करोड़ रुपए के निर्माण कार्यों का लोकार्पण शामिल है। ब्यूरो रिपोर्ट, खरगोन। डायवर्जन चलेंगे तो किस रोड को अवॉइड करें, तो ये अपन सलाह दे सकते हैं अपने नागरिक असुविधा से बचने के लिए। तो बोर्डक का भी बंद है, इस रोड का ट्रैफिक भी, तो हैवी ट्रैफिक हम रोकेंगे भी। दूसरा, इस बार अपन कोशिश कर रहे हैं पूरा अपना जो डोम है, डोम में सीसीटीवी कैमरे लगवा रहे हैं इंटरनल मैनेजमेंट के लिए, इंटरनल कमांड कंट्रोल के लिए। तो अपने जो तीन डोम है, तीनों डोम में सीसीटीवी कैमरे रहेंगे, जैसा कि अपने सिप्टोला ने कैमरे लगवाए थे, उसी एजेंसी को हायर करके हम लोग लगवा रहे हैं। दूसरा, ये जो औरंगा पुल से लेके अपना सुखपुरी तक का जो रस्ते तक का जो रूट है, उस रूट पे हम लोग कैमरे लगवा रहे हैं, जिससे कि जो भी भीड़ है, भीड़ नियंत्रण के जो भी अपना स्ट्रेटेजी है, उस तरीके से रखेंगे। लोग कैमरे की निगरानी में रहेंगे, उसका कंट्रोल रूम रहेगा, और कंट्रोल रूम में वही टीमें रहेंगी जो पूरी व्यवस्था को वहां से मॉनिटर करेंगे। ये थोड़ा सा चला जाएगा पब्लिक में तो थोड़ा डिसिप्लिन अपने आप आ जाता है। सिंचाई के क्षेत्र में अभी झिन्या की किसकी मौज हो गई, वो 1350 करोड़ की ऑलरेडी 4-5 स्कीम ऑनलाइन चल रही है। कुछ का लोकार्पण हो गया, अपने देखो नागरवाड़ी का लोकार्पण हो गया, और विष्णु का लोकार्पण इसमें हो रहा है। बिंदलवाड़ा दूसरी दो तीन स्कीम है जो 90% 50% हो गई, कोई 60% हुई है। तो कुछ एक दो वर्ष में पूरे जिले का लगभग 100% एरिया सिंचित होगा। ये इस जिले की सबसे बड़ी शक्ति है, प्रदेश में शायद ही ऐसा कोई जिला होगा जिसका पूरा एरिया सिंचित हो रहा है। तो ये अच्छा जिले का वो है, और इसके दो फायदे हैं। जब एरिया सिंचित होता है, लोग अच्छी खेती करते हैं, हाईटेक खेती करते हैं, और उसका प्रोडक्शन बढ़ता है। तो यहाँ पर जो कृषि का जो सिंचाई के साथ साथ में लोगों की प्रति बड़ा इनकम भी बहुत तेज बढ़ रही है। कॉटन हो, मिर्ची, जो एशिया सबसे बड़ी मंडी भी है अपनी, ये बड़ी मंडी, तो मिर्ची का भाव 350 रुपये किलो जा रहा है, काफी बड़ा मतलब अच्छी क्वालिटी कर रहे हैं। तो ये सब चीजें, इसके साथ साथ में दो तीन चीजें जिले के लिए और करनी है। अभी महाकाल लोक, सॉरी अपना ये नवग्रह लोक, ये इसका पूरा भूमिपूजन हो रहा है। 25 करोड़ पहले हमको जानकारी दी कि जो तीन प्लेस में करा, उन्होंने एक पैसे पूरा पैसे सेंड कर दिया। 25 करोड़ का है इसका भूमिपूजन है, मेडिकल कॉलेज का भूमिपूजन है, आपका जो अहिल्या लोक का भूमिपूजन है, और ढेर सारे जो छोटे मोटे काम जो डीएम फंड से है, 2 करोड़ के 5 करोड़ के, वो सारे काम है। तो इस तरह से 3600 करोड़ में एक तो 4 स्कीम और है इसमें, पूरे जिले में जल जीवन मिशन में 4 स्कीम, ये कसरावत में, निमरानी में, फरमेदा में, इस तरह से 1400 करोड़ की 4 जल जीवन मिशन, नल से जल वाला, वो वाला भी 1400 करोड़ की स्कीम है जिनका भूमिपूजन हो रहा है। ये साथ में हम लोग जिले के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है, और 1-2 साल में लोगों को सबको घर घर में नल से जल मिलेगा, पूरा एरिया सिंचित हो जाएगा। तो विशेषज्ञ मैंने आपको दिया, मैं बादशाह बोल भी दूंगा, और हम लोग इसमें ये चाहते हैं कि हमारा कार्यक्रम में एक इसका आपको, आप लोगों से सबका सहभागी रहती भी है, ये पीआरओ मिलेंगे भी आप लोगों से, वहां पर बैठने का पूरा अरेंजमेंट सिस्टमेटिक करा करके, और उसका आप सभी आनंदित रहेंगे। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।